प्रधानमंत्री से सरकार से ये बताएंगे ना क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? ऐसा क्या लालच है, क्या मोह है या डर है? कहीं प्रधानमंत्री जी को भी तो डर नहीं है ब्रजभूषण का कि कहीं ऐसे ये खुलेआम बोल रहा है हत्या कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, कहीं हमें भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या ये डर है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का? अब वो बेटियों के लिए बोलने वाले शब्द कहाँ है, या रैलियों में व्यस्तता है वहां जाकर के बजरंग दल को बजरंग बली बताने वाले? यहाँ बैठे बहनों के समर्थन में एक बजरंग पुनिया मेरे भाई, उसको क्यों नहीं बजरंग बली बताते? इन बहनों के लिए क्यों नहीं माँ काली, माँ देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का रूप देते हैं? ये बताओ ना, मतलब देश के प्रधानमंत्री से बड़े हैं ब्रजभूषण? आप ये पूछे प्रधानमंत्री से, हमें तो बड़े ही लग रहे हैं। जब भी तो प्रधानमंत्री ना तो अरेस्टिंग करवा रहे, ना पद से हटवा रहे, डर भय है प्रधानमंत्री को भी। इसका साफ मतलब है कि प्रधानमंत्री से बड़ी पावर रखता है ये व्यक्ति, तभी तो ये नहीं करवा रहे। लेकिन इससे बड़ी पावर जो रखती है वो इस देश की जनता रखती है, और इस देश की बेटियां रखती हैं, इस देश के किसान रखते हैं। ये ध्यान रखें, ये भूले ना ब्रजभूषण भी और इनके जो चंगू मंगू लगे पड़े ये भी। ये आंदोलन बढ़ते जा रहा है। रात में जैसे हुआ क्या लग रहा है कि रुख बदलने की दोबारा से कोशिश हो रही है? पीटी उषा सुबह आई थी, शाम में हुआ, तो जिन भी लोगों से हम बातचीत करें वो यही बोल रहे हैं कि साजिश के तौर पर। देखिए, ये किसान आंदोलन में भी छोटे मोटे छुर्री पुर्री सी छोड़ी गई ही बदनाम करने के लिए। इससे घबराने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें होंगी, इससे आप मत डरना, आप अड़े रहना। जैसे किसान आंदोलन में बुजुर्ग अड़े रहे थे, बैठे रहे थे, आप उसी तरीके से बैठे रहना। अगर आप नहीं बैठे और सम्मान के साथ विदा नहीं कराया ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करके, तो आप ध्यान रखना दिल्ली में हर बॉर्डर पे धरना लगेगा किसान आंदोलन वाला। रात से ही लोग आ रहे हैं लेकिन रोका जा रहा है, ऐसा भी सूचना है। क्या रोके जा रहे हैं? जो आंदोलनकारी आ रहे हैं, जो एजेंसियां हैं उनको भी रोका जा रहा है, हमें भी रोका गया था। आपको देखा यहाँ पे लगे हुए बैरिकेड, इन सबको रोका गया है। सब पूरी समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है, हम किसान धरने वाले लोग हैं। किसान आंदोलन में हमने ट्रेनिंग जो ली, सीखा, जो शांति से आंदोलन चलाना, धरना चलाना, हम उस धरने को इसको पूरा अच्छे से समर्थन कराएंगे। और ये धरना जंतर मंतर से हटकर दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जाएगा, ध्यान रखना अगर इन बेटियों के सम्मान पर बात आएगी। जेएनयू वाले आ गए हैं ऐसा कुछ? देखिए, जेएनयू में तो निर्मला सीतारमण भी पड़ी थी, जेएनयू में पड़ी थी ना वो निर्मला सीतारमण, वहाँ की पड़ी हुई थी क्या? वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। तो जेएनयू को बदनाम करने का लोग काम करते हैं। इस देश का व्यक्ति जो भी नारी का सम्मान करता है, नारी की कोख से जन्म लिया, वो हर व्यक्ति इस आंदोलन में आएगा। भाजपा में बहुत सारे महिला मंत्री हैं, जो डाउनलोड करेंगे वे नहीं आएंगे। भाजपा की जो महिला मंत्री है, आपको पता 12-13 मंत्री है, लेकिन वो नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? आप पूछिए सरकार से, ऐसी क्या बात है, आप क्यों नहीं मिलने देते, क्यों नहीं बोलने देते, क्यों नहीं बोलती है, पूछिए। महाभारत वाली बात बताओ, जैसे पूरे पूनम पंडित को क्या लग रहा है? मैं आपको बस ये बताऊंगी, ये बेटी है, बेटी जब तक दुखी रहेगी ये संसार जो है सुख में नहीं रहेगा। ये बेटियों का सम्मान की बात है, और इस बेटी ये लड़ाई जो है बेटियों की जीत दर्ज कराएगी, ये मैं आपसे कह देती हूँ। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि FIR हो गई है, आप घर जाएं, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? FIR हो गई, अरेस्टिंग नहीं हुई है, और पद से इस्तीफा नहीं हुआ ना, FIR हो गई ना, ये वही गुमराह करने वाली बात है।